14 तारीख को बीजेपी वर्चुअल रैली करने जा रही है और 14 से 17 हरियाणा में 11 जिलों पे जो अंबाला के मंत्री हैं हमारे कटारिया साहब, उनका बयान था कि 11 जिलों में 750-700 आदमी हम मीटिंग करेंगे, अपनी उपलब्धि बताएंगे हरियाणा सरकार की। भाई जब कोई आदमी गुजर जाता है एमएचए के डायरेक्शन हैं तो किसी अन्य दिन होता है 20 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हो वहाँ 50 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते, ये 750-700 कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों का भोपू लेके घूम रहे हैं। अगर अपनी उपलब्धियों की बजाय अपनी विफलताएँ गिरेंगे तो हम डरेंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि भाई ये समय जो है, जो ये बीमारी है जो इंसान को बचाने की है, सबको इकट्ठा होकर लड़ना है और पूरा इनका सहयोग आज भी है मेरा इस लड़ाई के, कोरोना से लड़ाई में पूरा सहयोग है, ये अपना भोपू बजा रहे हैं, फिर हम विफलताएँ गिनाएंगे वो मैं ही नहीं चाहता ऐसी बात है। तो इस बीजेपी से मेरा भाई ये कार्यक्रम आप करो, पहला प्राथमिकता जो इस बीमारी से लड़ाई करने की करो और लोगों को बचाने की बात करो। ये अब 300-400 केस रोज़ बढ़ रहे हैं हरियाणा में, अब जिस तरह बॉम्बे है, दिल्ली है, अब उससे हरियाणा में केस बढ़ रहे हैं, उनकी आप वो करें, प्रचार का भोपू ना बजाएं, उनकी सब लोगों की बचाव की बात करें। जो पैसा उसमें खर्च करोगे आप, वो लोगों के लिए आप करें, इसको पॉलिटिकल इवेंट बनाने की बजाय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, उन पे खर्च करो, पॉलिटिकल इवेंट मत बनाओ इसको। पॉलिटिकल इवेंट पे खर्चा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आज बेरोज़गारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर वन पर हो गया, टॉप वन ऑफ द टॉप वो है, और इनके जो 5-5 साल से सिलेक्शन हुए हैं, बच्चे सिलेक्ट हो चुके, ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। अरे ये समय है नौकरियां देने का, रोज़गार देने का, छीनने का नहीं है। आज मैं पढ़ा था अखबार में 11,000 स्वास्थ्य जो कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको हटाएंगे और 17,000 जो ये लगाएंगे किसान मित्र लगाएंगे। कौन क्या, पहले प्रशासन सहयोगी लगाए, अब किसान मित्र लगा रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या इनका है? जो बच्चे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर पास करे हुए हैं, बीएससी हैं, उनको लगाओ, एडीए लगे हुए हैं और लगाओ, उनको लगाओ, वो जानकारी देंगे किसान को। 17,000 वो जितने वो हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं, पढ़े लिखों को लगाओ, जब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली है उसमें लगाओ। इसी प्रकार से बिल पावर में हमने कहा था शुरू में, भाई गरीब आदमी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, जो गरीब आदमी है उसके कम से कम 3-3 महीने के बिजली के बिल माफ़ करो, ये तो कम से कम करो। तो अब तो इन्होंने जो अप्रैल के हमने मई के आखिर में जो बिल आएंगे उनका सरचार्ज भी माफ़ करना बंद कर दिया इन्होंने। तो इनका ये आपके सामने है, और MSME को एक राशन कार्ड होल्डर जो है, खाकी कार्ड बने थे 2013 में, जिनको खाकी कार्ड कहते थे, उसके बाद अब तक सर्वे ही नहीं करवाया इन्होंने, कोई उनका खाकी कार्ड होगा सर्वे नहीं हुआ, बल्कि ग्रीन कार्ड को राशन देने की बात थी। खाकी कार्ड वालों को अब तक ना तो सरसों का तेल मिला, ना चीनी मिली, और जो कार्ड होल्डर हैं वो कह रहे हैं हमारा कमीशन नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, इनने कहा भी अब राशन मुफ्त देंगे, उनके कमीशन क्या होगा? कोई सरकार की नीति उसने दरखास्त की है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो एक नई वो ले आए, नए नए तजर्बे किसान के साथ कर रहे हैं, पहले तो गेहूं की खरीद में, आज तक गेहूं की पेमेंट बकाया है 2,000 करोड़ किसान की, एक एक महीने के बाद पेमेंट मिली है कई जगह, जो एक महीने तक उस आड़ती का तो ब्याज लग गया किसान पे, उसका ब्याज कौन देगा? जबकि इनका वो था 72 घंटे हम देंगे। इसी प्रकार सरसों की कोई 28,000 मीट्रिक टन की अब तक पेमेंट बाकी है, और कह दिया हमने खरीद बंद कर दी, जबकि ये था भाई 30 जून तक हम खरीद करेंगे, उनको खरीद चालू करनी चाहिए इनकी। और अब एक और तजर्बा कर रहे हैं, पहले तजर्बा का क्या, अब धान मत वो इसमें मतलब, और फिर अब पंचायत पे लागू कर दिया, पंचायत एजिटेट कर रही है, वहाँ बड़ा भारी नुकसान है,
उनको भी इनको इनको वो वापस लेनी चाहिए पूरी। और जो ये बरसाती मोगा जिसको राइस सूट कहते हैं, उसमें एक और नया तजर्बा करने जा रहे हैं। इतने परसेंट हम देंगे, 500 से उसके आधे होंगे, लॉटरी से निकालेंगे, मतलब किसान के साथ तजर्बे करने पर लगे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था भाई, पहले खरीद का तो पुराना भी सिस्टम चला दो, कोई बात हो गई ठीक हो जाए, बीमारी से लड़ाई लड़ लेंगे जब ठीक करेंगे। इसमें भी यही कहना है कि बरसाती मौके की जो पुरानी नीति लागू करो यहाँ पर, अभी अभी किसान के साथ कोई तजर्बे की बात मत करो, और जो बल्कि लागत बढ़ा दी। अब इन्होंने कहा कि हमने धान की कीमत बढ़ा दी, जब धान की इन्होंने वो की है, कितनी बढ़ाई है, 53 पैसे प्रति किलो, और लागत कितनी बढ़ा दी डीजल पे। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, हरियाणा सरकार ने जो 9.24 हमारा वेट था, ये डीजल पे 17% से ज़्यादा कर दिया और पेट्रोल पे 27% से ज़्यादा कर दिया, और अब फिर बढ़ा दिया। उसके तो हर चीज़ बढ़ रही है। अरे क्या किसान की मदद करो, खाद दो, डीजल सस्ता करो, उसके लिए कोई करो, वो इनकी कोई सोच नहीं है। हाँ, बल्कि सब्जी मंडी में सब्जी जो पैदा करते हैं उनके लिए सब्जी मंडी में वो टैक्स लगा दिया, पहले मंडी टैक्स हमने छोड़ रखा था वो लगा दिया, आज वो उनकी बढ़ गई। टमाटर जो है 1 रुपया किलो बिके, आप सबको मालूम है क्या होगा इसका किसान का, इनको कोई वो खबर नहीं है। हाँ, घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, जैसे टमाटर पे लगा दिया, फिर रोडवेज का मतलब गरीब आदमी पर मार पड़ रहे हैं, रोडवेज का किराया बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सब्जी मंडी में टैक्स लगा दिया, और घोटाले पे घोटाला ढकने की कोशिश कर रहे हैं। धान का घोटाला मैंने कहा था 600 करोड़ का घोटाला है, अब जब तो ये कहा मुख्यमंत्री ने कि भाई कोई घोटाला नहीं, हमने सब जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली, अब आज ही FIR दर्ज हुई है, एक राइस मिल में 6 करोड़ का घोटाला हुआ है। इतनी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करा दी, आज FIR दर्ज हुई है क्या कि भी वैसे नकली फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, इतना घोटाला, ना धान आया ना गया और पेमेंट हो गई, तो बड़ा भारी घोटाला उसको इसको कर दिया। शराब का घोटाला आपने देखा खुद, कौन कौन उसमें गए, कौन कौन गए, अब वो घोटाला हुआ, अब नया शराब का घोटाला हो रहा है। हमने कहा था भाई शराब की जो 200 रुपये की बोतल है वो तो 400 बिक रही है, प्राइस लिस्ट किसी पे भी ठेके पे नहीं है, ये कीमत होती है तय होती है, तो कोरोना टैक्स लगाया है, एक बोतल पे इतने बढ़ाए हैं, तो प्राइस लिस्ट लगाओ ताकि कीमत पता लगे, लेकिन उसमें और घोटाला कर रहे हैं। इस तरह जैसे मीटर का घोटाला हुआ, घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं, उसकी तो जाँच कर नहीं रहे, और ये नए नए तजर्बे किसान से कर रहे हैं, तो ये इनकी उपलब्धि की भोपू लगाने की जरूरत नहीं है, विफलताएं का समय। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ इनको भाई, ये रैली करेंगे तो ये ऐसी रैलियाँ तो हमने बहुत की हैं, जब हम रैली करेंगे तो लाखों की तादाद होगी, क्योंकि ये तो विफल सरकार है, लेकिन ये अब ऐसी टकराव की समय नहीं है, अब एक होकर इस बीमारी से लड़ने का समय है, लोगों को बचाने की समय है, अपनी खुद की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता है कि विफल सरकार है, लेकिन मैंने कहा था कि सारी बात देखते हुए अब मुख्यमंत्री का बयान आया, मुख्यमंत्री जी का कि भाई मेरे को कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा तो पहले ले चुके, हर महीने कर्जा ले रहे, 60,000 कर्जा था जब हमने सरकार छोड़ी, आज 2 लाख से ऊपर कर्जा हो गया, कोरोना तो अब आया, दो महीने में कर्जा ले लिया। लेकिन मैंने कहा था भाई कर्जा लेने की जरूरत पड़े, इस बीमारी के लिए लड़ाई लड़नी है तो कर्जा लेने के मेरे कोई नहीं है। मैं वो कहेंगे भाई आप इतराज करो, मैं कोई इतराज नहीं करूँगा, अगर कर्जा लेके गरीब आदमी की मदद करोगे, किसान की मदद करोगे, आज उसको जरूरत है, आप है मीडिया वाले, आप भी अपने जान जोखिम में डाल के घूम रहे, इनकी मदद करोगे तो कर्जा लेने में मेरे कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन वो तो कोई मदद हो नहीं रही, ना गरीब आदमी की हो रही, ना किसी किस्म से हो रही, तो ये आपके सामने है, आप कर्जे पे कर्जा डूबे जा रहे हैं। तो इस किस्म से जो है हर कोई इंसिडेंट होता है उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, हर घोटाले पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखा, मैंने बयान दिया पहले दिन, ये जो इंसिडेंट हुआ था, एक कर्मचारी की पिटाई हुई, मैंने कहा था भाई जो मैंने देखा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है,
और इसकी जांच होनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए। अब तक पता ही नहीं क्या है उसका। कभी कहते हैं कि कोई कहता है उनका बीजेपी का नेता ऑडियो आई तो पब्लिक करो, उसको पब्लिक में आने दो, जो कसूरवार उसको सजा दो। ये समझ में नहीं आया, कानून हाथ में लेने किसकी इजाज़त दे रही, किसी को इजाज़त कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये इनकी वो है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ। जो भी हो, जांच प्रॉपर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता जो कसूरवार उसको पूरी सजा देनी चाहिए, कानून में हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो यही बातें हैं आज तक। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, मेरा पानी मेरा विरासत। देखिए, मेरा पानी मेरा विरासत किस चीज़ की बात है भाई? ये कह रहे हैं वाटर टेबल बढ़ा रहे हैं। वाटर टेबल बढ़ाने के लिए ही हमने दादूपुर नलवी नहर बनाई थी, उसको क्यों इन्हें कर दिया? ये ओटू झील खोद दी थी हमने गग्गर पे, कितना हो गया था, क्यों नहीं उसकी दोबारा खुदाई करते भाई? वो फिर डिसिल्टिंग हो गई है, क्यों नहीं मतलब जितनी ड्रेन है उसमें पानी भरते, क्यों नहीं जोड़ भरवाते, क्यों नहीं ये करते? तो वो उधर करो ना, खाली किसान के ऊपर थोपा क्यों जा रहा है? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसानों ने एजिटेट किया भाई, और किसानों की वजह से उनके जो विरोध हुआ जब उन्होंने पॉलिसी वापस ली है। हमने पहले दिन कहा था नहीं ली, लेकिन किसान विरोध में खड़े हैं। इस पॉलिसी में भी 25% जो है राइस सूट पॉलिसी में 25% जो कटौती कर रहे हैं कि किसानों को तभी मोगियां मिलेंगी तब 25% जो जमीन है उस पर धान ना लगाए। नहीं, वो कह रहे हैं 20 एकड़ पे हम देंगे जी। वो हमें एक बरसाती मुगा जी। लेकिन उसमें 75% से ज़्यादा धान नहीं होने चाहिए। तो ये तो वही मैं कह रहा हूँ, तजर्बे कर रहे हैं, तजर्बे नहीं करने का समय है, किसान के साथ तजर्बे करने का समय नहीं। वो वापस लेके पुरानी नीति लागू करो, और जिसको पुराने भी दो कोई नया उसको भी दो। बरसाती पानी की बात है आपकी, बरसाती पानी के लिए भाई आप गग्गर को ओटू को खोदो, गग्गर को खोदो, डिसिल्टिंग करो इस इलाके में। इसका मतलब तो ये है कि जो जल स्तर बढ़ाने की बात है उसको घटाने की बात करें आप। आदमी ट्यूबवेल ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, सरफेस इरीगेशन नहीं करेगा ना वो करेगा। तो ये मतलब किसान के साथ दुर्व्यवहार है। देखिए, मैं पहले कह चुका, पहले मैंने कहा था कि पहले दिन गृह मंत्री का बयान आया, हमारे मित्र हैं अनिल विज जी, उनका बयान आया SIT बना दी गई है। फिर आया SIT नहीं SET बनाई है, अब तक यही फैसला नहीं इनका। SIT है SET है तो कोई बात ही नहीं है। SET तो एक इंस्पेक्टर भी स्टॉक चेंज कर सकता है, SET क्या वैल्यू उसकी? कोई वो तो है नहीं उनके पास, कोई ताकत तो है नहीं इसकी। SIT और इसी वास्ते मैंने कहा था भाई ऐसी एजेंसी के द्वारा जाँच कराई जाए, निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा, केंद्रीय एजेंसी हो जाए जो भी सच है तो कोई, या किसी जज के से कराई जाए ताकि सही जांच पहुंचे, सही आदमी तक आँच पहुंचे। तो लेकिन ये इसको अब तक कोई मतलब आगे कदम नहीं बढ़ा है। कौन सा घोटाला नहीं हुआ ये बताओ ना, हर घोटाले की वो कर जा रहे हैं भाई, मीटर खरीद से लेकर मर्सी मीटर खरीद, सरसों घोटाला, मतलब अब धान का घोटाला, घोटाले पे घोटाला हो रहा है, घोटाले पे घोटाला हो रहा है। कौन सा घोटाला? इसमें गेहूँ की खरीद में क्या कम घोटाला हुआ है, लेकिन सरसों की खरीद में घोटाला हुआ। अभी तो उजागर हो रहे हैं, जैसे धान की मैंने बताया 6 करोड़ की, तो आज FIR दर्ज हुई है एक उससे मिल से तो एक मिल से उतनी है, तो कितने मिल हैं, कितने खैकड़ों का घोटाला निकलेगा। लेकिन ये उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन दो बार हो ली और फिर उनका ठीक निकल गया। किस किस्म की सरकार है? जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है उन पर भरोसा है क्या, चाहे धान घोटाला हो, शराब घोटाला हो, निष्पक्ष जांच हो पाएगी? भाई देखो, नियत हो घोटाले की तय तक जाने की तो पहुंचा जा सकता है। जब मैं कह रहा हूँ घोटाला ढकने की कोशिश की जा रही है तो इसमें क्या कोई करेगा?